मध्य प्रदेश हज वेलफेयर सोसाइटी का सालाना सम्मेलन नालछा में संपन्न हुआ। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने वर्ष 2021 में किए गए सामाजिक कार्यों की जानकारी से अवगत कराते हुए समाज और हज यात्रियों की समस्या और समाधान पर अपने विचार और सुझाव रखे। सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष मुकित खान ने कहा कि नए वर्ष 2022 को मुस्लिम शिक्षा जागृति के रूप में मनाया जाकर समाज के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करने के साथ ही मुस्लिम समाज को शिक्षित समाज बनाने का संकल्प लिया। हम कदम ने समाज सेवियों का सम्मान किया। सोसाइटी के सालाना जलसे के दौरान सामाजिक खिदमत कमेटी ने खरगोन खंडवा धार के सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान कर हौसला अफजाई की। संस्था सचिव अनवर जिंदरान ने बताया कि सालाना इजलास के दौरान सामाजिक संस्था हम कदम ने खंडवा के मुकित खान, धार के रियाज शेख, खरगोन के हाजी शाकिर और अमजद खान पहलवान को साल प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। संस्था अध्यक्ष अल्ताफ आजाद ने बताया कि कोरोना काल के समय गरीब जरूरतमंदों की सेवा करने और गरीब परिवार बेटियों की शादी करवाने अहम सहयोग देने वाले खरगोन शहर के हाजी शाकिर जिंदरान और अमजद खान पहलवान को संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे पास पूरा भारत के अंदर, भारत के साथ साथ तमिलनाडु कहें, पंजाब कहें, उत्तर प्रदेश कहें, हमारी सोसाइटी लगातार इनसे के मार्गदर्शन में काम करती रही है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ शख्सियत को जो कि पुराने पाक की तिलावत कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत कब किससे हो जाए अंदाजा नहीं होता, मोहब्बत कब किससे हो जाए अंदाजा नहीं होता, ये वो घर जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। मैं जनाब मौलवी अब्दुल अजीम कश्मीर जी को बुलाना चाहता हूँ, आप आए और कुरान शरीफ की आयत पढ़कर हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत करें। जनाब मौलवी अब्दुल अजीम कश्मीर जी के टाइम में हमारे बीच मौजूद है। मैं मेहमू साहब की बात कर रहा हूँ, मेहमू से गोगामा साहब हमारे बीच आए हैं, मैं उनको भी रियाज साहब के माध्यम से, रियाज साहब के जरिए से इस मंच से बुलाना चाहता हूँ। मेहमू सेठ को मंच पर लेकर आए। मुकित भाई हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।